नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी आर एफ जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताने वाले हैं एक शेर के साथ कि कहने को तो सारा हिंदुस्तान है हमारा, रहने को ना घर है ना मकान है हमारा, और फुटपाथ पे सोते हुए देखा है गरीबों को, इनको भी मिले घर एक ये अरमान है हमारा। और दुनिया तो मतलबी है लोगों का क्या भरोसा, दुनिया तो मतलबी है लोगों का क्या भरोसा, कोई नहीं हमारा बस ईश्वर है हमारा, भगवान है हमारा। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं जो गुर्दे की पथरी को चंद दिनों में सेवन करने से पूरी तरीके से गुर्दे की पथरी समाप्त की जा सकती है। ये हमारे यहाँ घरों में लगाई जाती है और किसी को कभी भी कोई भी गुर्दे की प्रॉब्लम होती है, जैसे गुर्दे में दर्द या गुर्दे में पथरी हुई या के पेशाब में ब्लड आना या पेशाब करते वक्त दर्द होना, ऐसी स्थिति में इस दवा को आप प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 से 6 एमएम की पथरी को मात्र 21 से 22 दिन के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म करने में समक्ष है यह औषधि, जिसके बारे में मैं आपको भी जानकारी देना चाह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि गुर्दे की पथरी ना हो, इसके लिए आप अपने यहाँ पर पानी दूषित ना पिए, हमेशा पानी को ढक कर रखें और पानी साफ सुथरा पिए। अगर हो सके तो आप पानी को पका लें और पकाने के बाद किसी घड़े में रख कर ठंडा करने के बाद पानी पिए। अक्सर ये पथरी गंदे पानी पीने से इंसान को पथरी हो जाती है और आजकल पथरी का चलन इतना ज़्यादा है कि अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, 20-25-30 हज़ार रुपया डॉक्टर लेकर के उनका ऑपरेशन कर देते हैं, जबकि बहुत ही 50 से 60 रुपये की आज मैं आपको दवा बताने वाला हूँ। आप इसको खाइए और पूरी तरीके से पथरी आपके गुर्दे की निकल जाएगी। हाँ, गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने गाल ब्लैडर स्टोन पर कोई भी इस दवा का रिस्पांस नहीं देखा है और ना ही मैंने किसी को इस पर अलाउ किया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो औषधि दिखाने जा रहा हूँ और गौर से देख लीजिए। इसको हम लोग पसर चटा कहते हैं और भी कई भाषाओं में अपने अपने अलग अलग भाषाएँ हैं इसकी, तो आइए देखते हैं। ये पौधा जो है काफ़ी पुराना हो चुका है और इसके बड़े बड़े पत्ते हैं, इसके छोटे भी पत्ते होते हैं, इतने इतने भी होते हैं। तो आपको करना क्या है कि इस पौधे को आप लेंगे, इस पौधे को अगर आपके घर में नहीं है तो इसको आप कहीं भी सिला सकते हैं। ये आजकल बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएगा आपको, और ये नर्सरी में तो मिल ही जाएगा आप पत्थर चटा, और कई भाषाओं में इसे जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसको पाषाण भेद के भी नाम से लोग जानते हैं, लेकिन हम पाषाण भेद के नाम से नहीं, हम लोग पत्थर चटे के नाम से जानते हैं। पाषाण भेद भी पथरी में काम आती है, जो कि इसी तरीके का वो भी होता है। तो दोस्तों, इसको करना क्या है आपको, इसको आपको डेली एक ये पत्ता और ये दो पत्ता, अगर इतने इतने बड़े हैं तो दो, अगर इतने छोटे हैं तो 3 पत्ते आपको लेने हैं। अगर इतने इतने बड़े आपको पत्ते मिल जाते हैं पाषाण भेद के तो आपको 2 पत्ते लेने हैं, और अगर छोटे हैं तो 3। इसमें आपको करना ये होता है कि इसमें आपको हजरुल यहूद की मात्रा होती है 3 ग्राम। 3 ग्राम मात्रा हजरुल यहूद की भस्म को आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर से जाइए और वहाँ से 3 ग्राम हजरुल यहूद की पत्थर लेकर आइए और उसको आप किसी कोरी भड़िया में चूल्हे पर रख दीजिएगा। चूल्हा जब आपके यहाँ खाना बन जाए, अगर आपके यहाँ गैस से बनता है तो आप कहोगे चूल्हा है ही नहीं, क्या बकवास बता रहे हो। खैर, आपको करना यह है, मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि हजरुल यहूद का 100 ग्राम पत्थर लेकर आइए और उसको एक कोरी भड़िया में आप भर दीजिए और ऊपर से आटे से उसको ढक दीजिएगा। अब आपको आटे से कैसे ढकना है, आपने हजरुल यहूद लेके आए, उसको आपने भड़िया में रखा और उसके बाद कोई भी चीज़ उसमें ढक दी, गिट्टी या कि कोई भी ऐसी चीज़ उसमें आप मिट्टी की बना करके रख दीजिए और उसके बाद चारों तरफ से आटा लगा दीजिएगा और एक गड्ढा खोदिएगा और उसमें कंडों की आग उसमें, मतलब कंडे भर दीजिए, पहले बढ़िया डाल दीजिएगा, उसके बाद चारों तरफ कंडे भर दीजिएगा आप, और कंडे भरने के बाद उसमें आग लगा दीजिएगा और काफ़ी, और उसके बाद जब काफ़ी जल जाए तो जब वो, मतलब कहने का कि जब आग बुझ जाए, जलने के बाद आग बुझ जाए तो उसके बाद आप निकाल लीजिए और आप उसको खोलेंगे नहीं। आप खोलेंगे कब, जब वो 2-3 दिन के बाद आप उसको खोलिए, जब पूरी तरीके से वो ठंडा हो जाए।
अगर आपने गर्मा गर्म खोल दिया तो उसका अक्ष उड़ जाएगा दोस्तों। तो आप उसको खोलने के बाद निकालिए, आपको भस्म पूरी तैयार मिलेगी और उसकी भस्म को निकाल करके किसी कांच की शीशी में आप रख लेंगे। और जब कांच की शीशी में आप उस भस्म को रख लेंगे तो उसकी खुराक केवल 3 ग्राम होगी, 3 ग्राम खुराक और 2 पीप पत्ते आपको सुबह और शाम लेना है। केवल 21 दिन लेने से आपकी कैसी भी गुर्दे की पथरी 5-6 mm की पूरी तरीके से निकल जाएगी। और अगर पथरी न इतने दिनों में निकले तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और फिर उसके बाद एक कोर्स 21 दिन का और कर सकते हैं। वैसे 21 दिन में निकल गई है, ये मेरा अनुभव है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस मामले में तो मुझे कमेंट्स करें, फ़ोन कृपया ना करें, मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि फ़ोन बहुत आते हैं, फिर मुझे और काम में प्रॉब्लम होती है। तो इसे पहचान लीजिए, इसको कहते हैं पत्थर चटा, पाषाण भेद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखते रहिए ZRZ YouTube चैनल, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है दोस्तों। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।